जनरली मैं लोगों से क्वेश्चन ये पूछता हूं कि हु विल बी द विनर इफ देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन एन एएसपी एंड एन डीएसपी एसएसपी, कौन विनर होगा अगर एक कंपटीशन हो एएसपी में और कंपटीशन हो एक एसएसपी में, तो हु विल बी द विनर? एसएसपी। व्हाई एसएसपी? क्योंकि सीनियर आदमी है, ऐसे ही होगा ना जी? ठीक है, अब वैसे ये एएसपी क्या है और एसएसपी क्या है इसके ऊपर भी बात कर रहे थे। एक एएसपी और एसएसपी वो है जिसको आप जानते हैं, एक वो है जो मैं अभी बता रही हूं। जो एएसपी है वो एक एवरेज सेल्स पर्सन है और जो एसएसपी है वो एक स्टार सेल्स पर्सन है। तो अल्टीमेटली एक एवरेज सेल्स पर्सन और एक स्टार सेल्स पर्सन में से जीतना किसने था? फिर भी एसएसपी नहीं, तो स्टार नहीं जीतता था। बेशक वो पुलिस वाले डेजिग्नेशन हो या बेशक वो सेल्स वाले डेजिग्नेशन हो, तो अगर आप सेल्स के एएसपी हैं या आप सेल्स के एसएसपी हैं, ये आपने खुद डिसाइड करना है। बिकॉज़ द एसएसपी विल ऑलवेज विन बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन, बिकॉज ऑफ हिज पावर, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, बिकॉज ऑफ हिज स्किल सेट, किसी भी बेसिस के ऊपर। बट हु विल विन? अब जब मैं लोगों को ये बात बता देता हूं, फिर वो कहते हैं कि सर मैं हमसे पूछता हूं कि अब आप क्या हैं, एएसपी हैं या एसएसपी हैं? कोई मुझे नहीं कहता कि मैं एएसपी हूं। कहते सर हम एसएसपी हैं, आपको यकीन दिलाना है आज हमने इस टेबल के ऊपर। तो अगर आप वाकई यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप एसएसपी हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आप एक एसएसपी है, यानी कि एक स्टार सेल्स पर्सन है। वो कौन सी एक ऐसी चीज है कि जिससे आप एक स्टार सेल्स पर्सन अगर हैं तो हैं, और अगर नहीं है तो आप बन सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज है? अगर आप आज कहते हैं कि सर नहीं, मैं वापस चला गया, मैं एएसपी हूं, तो अगर आप एएसपी हैं, एक एवरेज सेल्स पर्सन है, सो कौन सी ऐसी चीज है विच कैन टेक यू फ्रॉम द एएसपी लेवल टू द डीएसपी लेवल, फ्रॉम एन एवरेज सेल्स पर्सन टू SSP level, which is a super or star salesperson. तो जल्दी से quickly pen से one point लिख ले, कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगता है that will take you from ASP to SSP, या अगर already आप SSP हैं, तो लिख दे कि सर मैं SSP हूँ, मैं star salesperson हूँ, and I am because of this particular thing. कोई एक चीज जल्दी से लिख दे जिसकी वजह से आपको लगता है। जी लिख दिए, कौन बताने लगा जल्दी से मुझे? पहले तो बताया who is an SSP already. SSP already, very good. Can SS, all SSP raise the hand? SSP, okay. बाकी सारे ESP हैं? Okay, so SSPs, kindly you tell कि आप क्यों SSP हैं? Why you are star sales person? जी please. बेशक बैठ के बता दे, but just one word मुझे बता दे क्या है because of this. Punctuality. Okay. Confident on our product. Confidence? On our product. On the product. Okay. Listening power. Listening. Listening skills के ऊपर? Sir, always try to understand the problem of a particular buyer or problem identification skills. Then okay. Students की या customer की need को identify करने वाला, okay? Because I never give up. Never give up, okay? SSP का एक और attitude होता है, never give up, okay? Communication skills. Skills. Okay, जबरदस्त। अब जो लोग ASP हैं, can they tell उनको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो SSP बन सकते हैं? Anyone? It's none of my domain, and able to do exposure. Okay, exposure, trainings, जी। Sir, actually, I have joined recently, so I have no exposure in university. मुझे अभी exactly कोई जानता नहीं है। I require I require references. Networking references could give them reach you to ASP level से SSP level तक। जी। मैं ASP level मैं mostly जगह पे confused हो जाती हूँ। और you want to move to SSP? Yes. And क्या करना पड़ेगा कि SSP level पे पहुँचे आप? उस confusion को दूर करना पड़ेगा। Okay. ठीक है। जी। और कोई बस last one to feedback please. SSP already है, ठीक है, मैं SSP को नहीं चेंज करूंगी किसी को। जी, SSP क्यों SSP है? Relationship is important. SSP
convincing power. Okay, तो अभी हम ये देखते हैं before we take our you know kind of tea break, जल्दी से उसपे जाने से पहले कि कौन-कौन से ऐसे attributes हैं जो कि अभी आपने मुझे बताए हैं और हम देखते हैं combine किए जो आप लोगों ने share किए हैं, तो उनमें से कौन से attributes ऐसे हैं जो कि SSP के अंदर होने चाहिए और आप map कर लें अपने तौर पर अपने जहन में कि मैं मेरा वाला पॉइंट क्या इनमें से कहीं फॉल कर रहा है. इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट दीज आर द पॉइंट्स विच आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ मस्ट पॉइंट्स, जिनको मैं कहता हूँ कि इनके बगैर आप एसएसपी नहीं बन सकते. जिस तरीके से अगर आप पुलिस वाले एसएसपी बनेंगे तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, तो इसके लिए ये एक्चुअली एसएसपी का स्टार सेल्स पर्सन का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है. कितने लोग ऐसे हैं वो एक्चुअली फिट्स इनटू दिस थिंग और कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर आप समझते हैं कि मुझे काम करने की जरूरत है. कौन स्कोर्स जी लोगों के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है, ये काइंड टू पीपल. ओके कासिम जी सर, कहां आप एसएसपी के तौर पर फिट होते हैं इसमें? सर केयरिंग फॉर कस्टमर. कस्टमर केयर ऊपर वाला पॉइंट, केयरिंग फॉर कस्टमर्स. ओके जी, एंजॉयिंग वर्क, आई एंजॉय माय वर्क. यू एंजॉय योर वर्क सो इट्स फन. हमजा सर, हार्मनी इन रिलेशनशिप. वेरी गुड, रिलेशनशिप इज वन ऑफ द कोर थिंग, कुछ लोगों ने पहले भी बात की. जनाब सर, फेयरनेस इन सेल्स. फेयरनेस, फेयरनेस इन दी सेल्स, फेयरनेस इन डीलिंग, फेयरनेस इन बिजनेस. फैजान एंजॉयिंग वर्क. Join work, have fun, entertainment, enjoyment, enjoying your work. Actually, आपका work तब तक work रहता है जब तक वो सिर्फ work होता है. Once you add life into it, then it becomes enjoy in work actually. जी. Morality, ethical. Morally and morality and ethical. बिल्कुल ठीक है. So fairness in the same. Fairness in the same. So. एक एसएसपी, एक स्टार सेल्स पर्सन के लिए ये सारे एट्रीब्यूट्स होना जरूरी है. नॉट नेसेसरली कि आपके अंदर आज के दिन में ये सारे हों, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जब आप आज यहाँ से जाएं तो आप इनमें से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को समझ चुके हो अपने तौर पे, एंड देन यू रियली अंडरस्टैंड कि मुझे इनके ऊपर काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लगता है कि सारी बातें ठीक है, बट सेल्फ कंट्रोल इन इमोशंस, मेरा इमोशंस के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है. और मेजॉरिटी लोग जज्बाती है पाकिस्तान में वैसे भी. मेरे पास से गुजरे तो भाई गुजरे क्यों, मेरी तरफ देखा तो देखा क्यों. और देखा ना, वो तो मोटरसाइकिल जा रही है, बच के नहीं गई, अभी लगने वाली थी, ये बच जाती फिर. जज्बाती लोग हैं, आपको पता ही है, हमारी एक आदत है पाकिस्तानियों की, हमारा यू नो वी हैव जज्बातियत, मोर वन ऑफ द मोस्ट जज्बाती नेशन इन द वर्ल्ड रहे हैं हम कुछ अरसे, आज भी कहीं टॉप 5 में है इंडेक्स के अंदर सबसे जज्बाती. इसी वजह से हमारा वो जो सेल्फ कंट्रोल वाला प्रॉब्लम है वो तो है, बाय डिफॉल्ट है. यानी कि आपको अगर एक चीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद, अगर एक चीज पसंद है तो पसंद है. क्यों पसंद है? मेरी मर्जी. ठीक है, तो यू नो यू आर इन फुल कंट्रोल बट यू हैव नो कंट्रोल. एक्चुअली दिस इज व्हाट वी जनरली बिलीव कि वी आर इन फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बट एक्चुअली यू डोंट कंट्रोल एनीथिंग बिकॉज़ यू कैन नॉट इवन कंट्रोल योर ओन सेल्फ. कंट्रोल ये है कि अगर आपको गुस्सा आ गया है वहां पे गुस्सा ना करना, अगर आपको हंसी आ रही है वहां पे मत हंसो, आपको रोना आ रहा है वहां पर मत रोना, और जहां नहीं रोना आ रहा है वहां पर रोना. तो यू नो द एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल ऑन योर सेल्फ इस लेवल का कि जहां पे आप ड्राइव कर सके रादर इमोशंस ड्राइव कर, क्योंकि जब आपको इमोशंस ड्राइव करते हैं फिर वही होता है कि जब वजन नहीं है. ठीक है ना भाई, मेरे पास से गुजरे क्यों, मुझे ऐसे देखा क्यों, यार मैं तो वैसे लेकर मुझे देखा क्यों है, होता है ना ऐसा, लोग ऐसे कह रहे होते हैं ये देखना भाई, ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, देख भी नहीं सकता, होता है बात का ऐसा. यू सी पीपल, लोग कह रहे होते हैं यार क्यों देख रहा हूँ भाई, क्यों देख रहे हो. तो उस बात को अंडरस्टैंडिंग के लिए सेल्फ कंट्रोल मैं नॉर्मली समझता हूँ इन सारे पॉइंट्स से, वन ऑफ दी फोर पॉइंट्स इज कि आपके पास वो केयर, वो एलिमेंट, वो काइंडनेस, वो हम्बलनेस, वो सारी बातें कस्टमर को माँ बाप से मिल जाती है. माँ बाप बड़े मेहरबान होते हैं, काइंड होते हैं, हम्बल होते हैं, लेकिन एक्चुअली गेम वहां चेंज होती है, पॉइंट वहां आता है जहां पे कस्टमर गुस्से में, उस टाइम के ऊपर आप काइंड हो तो सेल्फ कंट्रोल है. उस टाइम के ऊपर अगर आप काइंड नहीं आते, सर मैं काइंड तब तक हूं
जब तक आप काइंड है, और अगर आप काइंड नहीं होंगे तो मैं भी काइंड नहीं होऊंगा, क्योंकि ना आप जिनके बच्चे हैं ना मैं जिनका बच्चा हूं। तो अल्टीमेटली देन यू स्टार्ट बिलीविंग कि भाई ये तो जब अगर कस्टमर करेगा तो मैं करूंगा। ये वहां चेंज है, सेल्फ कंट्रोल ये है कि अगर आपका कस्टमर एंग्री है आप नहीं कोई बात। आई हैव सीन लॉट ऑफ माय टीम मेंबर्स नॉट हियर इन सुपीरियर बट इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस के जहां पर वो कस्टमर को डील करते थे, कस्टमर ने सर तक फाड़ दिए, यहां पर ये एक्सक्यूज शुरू किया, आई हैव रियली विटनेस्ड इट फ्रॉम माय ओन आईज, सर फाड़ दिया, थप्पड़ मार दिए, मुक्के मार दिए, बट द पीपल द केयर्स पर्सन they were very calm, and I said, कोई बात नहीं, I do understand कि आपको product में complain आया है, that is why you are angry. कोई ऐसी बात नहीं है, I will try to help. क्या help करोगे हमारे पॉर्टल पर? तो सर, still I will remain humble and मैं आपको करूँगा. And you know what? इस तरह के लोगों को customer क्योंकि उस time पे एक mood में एक मिजाज में चल रहा है, तो वापस गया है, and I've seen lot of customers coming back, apologizing, bringing gifts कि मैं उस time उकाब से बाहर हो गया था. गुस्से से बाहर हो गया था, लेकिन दिस वाज द पर्सन कि जिसने आज मुझे सबक दिया है कि एक्चुअली इसकी औकात, इसका लेवल इज मच हायर देन माइन। मैं इसको बता रहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, और ये कहता है कि सर आई डोंट नीड टू, मुझे जरूरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत हम्बल है, मैं उनको कम्युनिकेट। सो एंड देन दिस इज व्हाट एक्चुअली इज सेल्फ कंट्रोल। तो एसएसपी बनने के लिए सिर्फ पावर जरूरी नहीं है, अक्सर लोग समझते हैं वंस यू आर एसएसपी A star sales manager, now you are powerful. आप manager हो गए, so now you are powerful. ये जो काम है, ये जो act है, ये जो बाकी सारे attributes है, ये तब है जब आप continuously, consciously इनके ऊपर काम करें। The day you will stop working on them, you will again move back to ASP. जिस तरह demotion हो जाती है, उसी तरीके से आपका actually अपनी level से, ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है, इट इज अ लेवल वेयर यू प्लेस योरसेल्फ एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ ये चीज अच्छी है और ये चीज एक बुरी है। हम इस बात को यहाँ पर एंड करते हैं बिफोर वी ब्रेक फॉर द टी। क्विकली, आई वाज इन अ ट्रेनिंग सेशन सिंगापुर के अंदर, और वो ट्रेनिंग सेशन 7 दिन की थी, और वो ट्रेनिंग सेशन सिर्फ इस बात के ऊपर थी कि कैसे आपने अपने आप को सेल्फ कंट्रोलिंग सिचुएशन में लेकर आना है, हाउ यू रिएक्ट टू सिचुएशन, How you behave when there is an emergency. और इस सारे 7 दिनों के अंदर one of the very interesting activity मैं normally लोगों से share करता हूँ, और वो ये है कि when I was there, तो एक साथ थे, उनको अचानक ही heart attack हुआ, और he was participant और floor पे जाके गिरे, so he was actually not a participant, he was actually a kind of actor, जिसको उस activity के अंदर engage किया गया था as an actor, उनको heart attack हुआ, और उसके बाद ये देखा गया कि देखते हैं लोग कैसे react। So, एक रिएक्शन ये है कि आप खुद भी बेहोश हो जाए, दूसरा रिएक्शन ये है कि आप एक्चुअली फौत होने वाले हो जाए, वो तो हो ही जाना है, आप हो जाए, तीसरा रिएक्शन ये है कि यू नो टेक केयर ऑफ हिम, आप देखें उसको किस इमीडिएटली क्या किस फर्स्ट एड की जरूरत है, आप किसी को कॉल करें फॉर हेल्प, या शोर बजाना शुरू करते हैं, और उस हाल में उस बंदे के शोर से ज्यादा आपका शोर। तो इस बेसिस के ऊपर रैंकिंग किया कि आपका कंट्रोल और योर ऑन सेल्फ इनटू द इमरजेंसी सिचुएशन फ्रॉम 1 to 5 इज 1 or 2 or 3 or 5, फिर उसकी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड हुआ कि अब आपको कितना काम करना चाहिए अपने ऊपर, बिकॉज अगर आप एक बेसिक सी लाइफ इमरजेंसी के ऊपर यू आर सो मच यू नो बिहेविंग, तो आप जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होंगी उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करें, बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनल, इसके ऊपर आप कैसे एक्ट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके।